गुड आफ्टरनून बेटा। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। एक धीरज सिंह है क्या कोई लड़का? धीरज सिंह क्या? धीरज सिंह। गुड आफ्टरनून सर। धीरज सिंह। गुड आफ्टरनून सर। धीरज सिंह अटेंड किया है कि नहीं क्लास? नो सर। नो सर। नहीं है। थोड़ा उसका वाच किया करो, किस दिन अटेंड कर रहा है किस दिन नहीं कर रहा है, ठीक है? यस सर। सेक्शन ए। यस सर। सर वो चलिए सर का लड़का है। हाँ उन्हीं का बेटा है। यस सर जानते हैं। यस सर। उन्हीं का बेटा है वो, ठीक है आगे सीखा जाए। Yes, sir. आज ये एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 तब 9 तब 8 ऐसे सिखाते हैं। ओके बच्चों, पहले लास्ट उसके बाद okay, sir. उसके बाद वाला, ठीक है? ओके क्वेश्चन नंबर 10, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। शुरू करें? यस सर। ऑल आर रेडी? यस सर। यस सर। देखो सर आपका वीडियो रेडी। क्या हुआ, आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर। तो अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू -3। तो पहले एक्सप्रेशन नोट करते हैं, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस ए बी। क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले वी वांट टू रिमूव दिस ब्रैकेट, तो इस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसी 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में ए का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए स्क्वायर प्लस 2 में ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए बी प्लस 3 और ये माइनस ए बी। देखो ए बी और ए बी वाले को हम क्या करेंगे, लाइक टर्म वाले को सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग। अब देखो 2a स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं 1, तो हो जाएगा 1 ए बी और ए बी के प्लेस पे 1 ए बी नोट कर लेंगे। 2 बड़ा है तो 2 का साइन क्या है प्लस, तो वी पुट हियर प्लस। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये आपका प्लस 3 अपने सेम प्लेस पे, ये आपका एक आंसर आ गया। यस सर। सर आप पुट करेंगे? नहीं, इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अब देखो पुट इसके बाद वाला, पुट ए इज इक्वल टू कितना दिया है 3, ए इज इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -3, ये आपको हमें पुट करना है, ठीक? तो कैसे सॉल्व होगा अब ये सीखा जाए। तो 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे क्या रखना है 5 का होल स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे 5
और बी के प्लेस पे क्या लिखना है, माइनस थ्री, फिर इसके बाद से प्लस थ्री। ये वाला थ्री अपने सेम प्लेस पे देखो, यहाँ पे मिल गया सर, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा। अब ये वाला देखो, ये थ्री आपको यहाँ पे दिख गया। फाइव किसके प्लेस पे रखे, ये वाला फाइव ए के प्लेस पे, ए यहाँ पे फाइव। बी के प्लेस पे क्या है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो टू, फाइव का स्क्वायर मतलब फाइव इंटू फाइव, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और ये प्लस थ्री अपने सेम प्लेस पे। क्लियर हुआ? अब देखो, टू फाइव जा टेन, टेन फाइव जा फिफ्टी, ओरल मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू में फाइव का मल्टीप्लाई किया टेन, टेन फाइव जा फिफ्टी, माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में 3 प्लस कर देंगे आ जाएगा कितना, 38। क्वेश्चन का ये आंसर आपका कंप्लीट। राइट डाउन सर, हो गया सर। 8 9 10 करवा दिए, 8 9 10 इसके बाद सिखाऊंगा, पहले लास्ट वाले से शुरू कर दिया मैंने आज। धीरज सिंह अटेंड किया कि नहीं क्लास? नो सर, नहीं किया। करेगा? नो सर। नो सर, क्यों नहीं कर रहा है धीरज सिंह? अबे यार तो नहीं, जैसे साउंड आ रहा है, जैसे किसी के घर से साउंड आ रहा है, इरेज करें इसको। नफीस आलम अंसारी, इरेज करें इसको। नो सर, नो सर, नो सर। राइट कर लो, राइट करो। ये सर हो गया, हो गया। इरेज करें। यस सर। नो, इरेज करें। हटाएं, हटा दिया आप? यस सर। सर दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है पहले ये देखा जाए। What should be the value of A if the value of 2x square, question number 9, 2x square plus x minus A equals to 5। यहां पे कह रहा है कि यहां पे a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। कह रहा है कि इस, ये जो आपको क्वेश्चंस दिया है, इतना प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो, और जीरो में फिर टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर प्लस के प्लेस पे प्लस, एक्स के प्लेस पे फिर जीरो,
माइनस के प्लस पे माइनस, ए के प्लस पे ए और फाइव के प्लस पे फाइव। यहां पे हो गया ए के प्लस पे ए इक्वल टू फाइव। तो ये जीरो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो फिर माइनस ए करना है, जैसे ये जीरो माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, तो फिर यदि इसको माइनस करेंगे तो यहां से जीरो क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पे आ गया माइनस ए बराबर फाइव, तो ये माइनस अगले स्टेप में यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में हम कहां पे माइनस लेते जाएंगे, इस वाले प्लेस पे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो यही आपका आंसर हो गया। यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। राइट डाउन हो गया सर। आप साथ साथ नहीं लिखेंगे, आप पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। अनुज कुमार राय। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अंशिका कौशिक। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तुम भी सर की बेटी हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। श्रुति यादव। यस सर। समझ में आ रहा है? आर्यन गुप्ता। यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट सिखाएं। यस सर। यस सर। इरेज कर दें। यस सर। इरेज कर दें। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो नाइन है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट में जेड माइनस टेन। आपको इसमें वैल्यू फाइंड करना है कब, इफ जेड इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर इसी का एट का पार्ट फर्स्ट आपसे कह रहा है कि जेड क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट में जेड माइनस 10। तो यदि आप जेड इज इक्वल टू 10 पे, ए कौन बात कर रहा है जी, के घर से साउंड आ रहा है, बहुत बदमाश है। किसके यहाँ से साउंड आ रहा है? हिमांशु यादव। यस सर। तुम्हारे यहाँ से आ रहा है क्या जी? राजकुमार यादव है सर, वो है। कौन यादव है? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव, घर वाले को बोल दो भाई ना शोर करें लोग। वीडियो भी ऑन किया है। वीडियो भी ऑन किया है। बदमाशी करेगा तो उसका नंबर कम हो जाएगा। राजकुमार यादव 5431। राजकुमार यादव, अच्छा वही है क्या ये राजकुमार यादव? मैं समझ रहा हूँ वही है जो पहले हॉस्टल में एक बार रह चुका है, वही है। अच्छा आपसे मत करना भाई, उसको एक्सक्यूज कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे put z is equal to 10, तो जहां z दिखेगा वहां पे हम 10 रख देंगे, तो 10 का पावर 3, क्यों, क्योंकि यहां पे पावर 3 है, माइनस ये वाला 3। बोलिए
z के प्लेस पे फिर 10 रख देंगे, ये 10, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला 10, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 3, माइनस 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो। अब 3 में का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 में 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, 0 0 0 3 0 तो 3 0 रख दिया, तो 1000 में से जब 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट डाउन, राइट नाउ। चलो सर हो गया, ओके फिर हो गया, बहुत बढ़िया सर। आप 3 × 0 कैसे है सर, एक बार और बता दीजिए। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलो भाई, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 है। इसको 2 टाइम्स सॉल्व करना है मेरे बताने के बाद, जब मैं आपको आपका क्लास जब ओवर हो जाएगा तो 1 टाइम शाम को, शाम को मतलब इवनिंग, जो रात को स्टडी करते हो ना अंधेरे में, यस सर, आपको पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो भाई, यस सर पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, और एक बार अर्ली इन द मॉर्निंग 4 में बार आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए, जैसे मेडिसिन लेते हो ना सुबह शाम, यस सर, अभी आपकी तबीयत जैसे खराब होता है तो आप मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह से ये भी है, मैथ्स का भी मेडिसिन है, इसको 2 टाइम्स आपको सॉल्व करना है, एक बार रात में, एक बार भोर में, तो आप यदि इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार, आगे सिखाया जाए, यस सर। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट सेकंड, इसी का पार्ट कौन सा, सेकंड, इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले, रेंसो फिर से नोट करते हैं, t स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। अब देखो यहाँ पे p का वैल्यू कितना रखना है, माइनस 10, p का वैल्यू कितना रखना है, माइनस 10। क्वेश्चन सब लोग देख लिया, यस सर, यस सर, आप सीखो, फिर वही बात, पुट p इक्वल टू माइनस 10, p दिखा यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 10 रख देंगे, तो आइए सीखा जाए, तो p के प्लेस पे कितना रख दिया, माइनस 10 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर 2 का मतलब माइनस 10 कितनी बार नोट करेंगे, 2 टाइम्स, फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जा 100, ये वाला हो गया p स्क्वायर वाला कॉलम, फिर ये माइनस अपने सेम प्लेस पे, 2 भी अपने सेम प्लेस पे, p के प्लेस पे क्या लिख देंगे, माइनस 10। अब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, 10 × 20 यहाँ पे आ गया 20, ये माइनस 100 आपका यहाँ पे आ जाएगा, माइनस अपने सेम प्लेस पे, 100 भी अपने सेम प्लेस पे, तो फिर वही चीज,
माइनस अपने सेम प्लेस पे, हंड्रेड भी अपना सेम प्लेस पे, तो ये माइनस हंड्रेड फिर आ गया आपका। अब ये हंड्रेड से ये वाला हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस जब नंबर सेम होगा प्लस माइनस होगा तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है? नहीं बताऊंगा, कट हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, कि जब आपका नंबर दोनों सेम होगा प्लस माइनस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस 20, तो ये आंसर आ गया 20। यस सर। और 20 के पास प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को हम प्लस मानते ही हैं। इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट। सर 12.3 है। ओह 12.3। एक बार 10th वाला क्वेश्चन बता दीजिए। 12.3 फिनिश। सर 10th वाला भी बता दीजिए। दे रहा हूं 10 फिर से बता दे रहा हूं। लेट आए हो क्या? यस सर, ये लेट आए हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। यस मेरा भी है। क्या है? ओके मिस्टर सरांत राय, सब्सक्राइब बढ़ा है, ये तो प्रॉब्लम है। अब अच्छी चीज में आ गया, इरेज करें इसको। यस सर कर दीजिए। मिस्टर जय आदित्य, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहा हूं, बच्चा फिर से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देख लो भाई, जिसको बढ़िया से अभी ना समझ में आया हो एक बार और देख लो, लिखना नहीं है, लिख लिए हो। कह रहा है सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस ए बी। ये अब क्या कर रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा वैसे ही हमारा सिंप्लीफाई कंप्लीट हो जाएगा। ब्रैकेट रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रख देंगे, अनलाइक टर्म्स को एक साथ रख देंगे, इसके बाद से प्लस माइनस कर के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आओ सीखा जाए, 2 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, 2 में ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, और ये प्लस अपने सेम प्लेस पे आ जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही आता है। फिर ये वाला 3 अपने सेम प्लेस पे, फिर ये वाला माइनस ए बी अपने सेम प्लेस पे, फिर देखो ये ए बी और ये भी लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है तो अपोजिट साइन है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 मान लिया जाएगा क्योंकि नहीं दिया है तो क्या मानते हैं 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, ए बी और ये बी में से कोई एक ए बी नोट कर लिया, बड़े वाले नंबर का साइन क्या है तो प्लस, तो वी पुट हियर प्लस, ये 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, फिर ये वाला प्लस 3 अपने सेम प्लेस पे, एक आंसर आ गया। इसके बाद भी कह रहा है कि a इज इक्वल टू 5, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। b इज इक्वल टू क्या, -3, तो 2 के प्लेस पे 2 a आ गया,
ए के प्लेस पे क्या रख दिए, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ये वाला प्लस अपने सेम प्लेस पे, ए के प्लेस पे फिर ये वाला 5, बी के प्लेस पे ये वाला माइनस 3, प्लस 3, ये वाला प्लस 3। अब देखो ये प्लस 3 और ये माइनस 3 से आप कैंसिल कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों क्यों रॉन्ग नो, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि यदि एक प्लस माइनस आ गया और आप बिना देखे बिना माइंड यूज किए आप इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्यों, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई है, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5 3 जा 15 और ये प्लस 3 अपने सेम प्लेस पे, अब देखो 5 2 जा 10, 10 5 जा 15 प्लस 3। सर आप अपना मोबाइल दिखा रहे हैं, आप दूसरे का मत देखो, तुम अपना समझो, सर उसका कर रहा है तो उसका लॉस होगा, और लॉस होगा तो समझ जाओ किसका नुकसान होगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आप देखो 50 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35, और 35 में फिर 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38। दिस इज योर आंसर, सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर इज हियर एंड सेकंड आंसर इज हियर। व्हेन वी सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन वी गेट, वी गॉट दिस आंसर, व्हेन वी पुट दिस वैल्यू देन वी गॉट सेकंड आंसर इज 38। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 12.3 मैंने क्या किया, फिनिश किया 12.3। अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो 12.4 आप अपने से करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, वैसे कल अब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। स्कूल जब गवर्नमेंट का आर्डर आएगा, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो स्कूल खुलेगा, और जो बच्चा ये सौरा चिलकहर का है वो यदि स्कूल आना चाहता है तो अपने गार्जियन से परमिशन लेके आप रिसेप्शन पे मिलिए, प्रिंसिपल साहब से मिलिए और रिक्वेस्ट करिए कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, यदि स्कूल आपको कहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुरेजी अपने साधन से आप आओगे तो आ सकते हो, साइकिल वाइकिल चला के आ सकते हो तो आ सकते हो, हॉस्टल वाले को बैठा सकते हैं, स्कूल वाइकिल सर हॉस्टल वाले पाएंगे, हॉस्टल वाले भी परमिशन ले सकते हैं स्कूल से, प्रिंसिपल साहब यदि अलाउ करते हैं तो आप आ सकते हैं, इसके लिए तो आपके गार्जियन को प्रिंसिपल साहब से मिलना पड़ेगा, रिसेप्शन पे मिलना पड़ेगा, यदि वो प्रिंसिपल सर अलाउ करते हैं तो, चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं ऑनलाइन क्लास में भी, आप सामने बोर्ड है ही है आपके, और बेस्ट आपका हो सकता है स्कूल अलाउ करे, लेकिन गवर्नमेंट जब ऑर्डर करेगा तो दूर वाले जो बच्चे हैं, जैसे जो दूर का बच्चा है जो बस से ही आ पाएगा, नजदीक वाला बच्चा तो आ सकता है साइकिल वाइकिल से, लेकिन उसके लिए भी प्रिंसिपल साहब से पहले परमिशन लेना पड़ेगा आपको। सर हम बस बस आ सकते हैं क्या, चीज क्या चीज भाई, बस आ सकते हैं सर हम, नहीं बस से नहीं आ पाएंगे आप, बस से आएंगे तो उसके लिए भी अब प्रिंसिपल साहब ही अलाउ करेंगे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप उनसे बात करेंगे तभी क्लियर होगा, लेकिन जो लोकल बच्चा है वो आ सकता है, यदि वो भी प्रिंसिपल साहब अलाउ करेंगे उसके लिए भी प्रिंसिपल साहब ही अलाउ करेंगे, और ऐसे कॉमन रूप से जब जैसे 9th 10th 11th 12th का क्लास रन कर रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर आया तो रन कर रहा है, उसी तरह से आपका भी
इरेज कर दे, डेली हो रहा है सर, 9 10 का डेली हो रहा है, डेली क्लास रन कर रहा है। यस तो क्लास एंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए आज का। यस सर, थैंक यू सर। अरे यस सर कर दिया भाई, थैंक यू सर। अरे यार इतना जल्दी कर रहे हो क्या? हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। थक गए क्या यार? नो सर। थक गए क्या? नो सर, नो सर। थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, तो प्रैक्टिस आप करेंगे सर, इसको दो बार तीन बार करोगे तो मैथ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हीरा सिंह अभी ज्वाइन किया कि नहीं किया? अभी तो कुछ करना है, कुछ करना है। बीच में बात सर नहीं है, सर नहीं किया है। धीरज सिंह का फ्रेंड कौन है? सर इधर मैं, सर मैं, मैं जय आदित्य। सर मैं जय आदित्य, क्या था जय? तुम्हारे पास है ना वो जय आदित्य वर्मा? फोन करके बोलो कि तुमको आज मैं सब। यस सर, ठीक है ठीक है सर। कई बार पूछा हूँ सर, खराब होगी उसकी, उसके गार्जियन कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा बेटा नहीं पढ़ता है। यस सर, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे सब लोग? यस यस सर, हाँ कंप्लीट है। हाँ गुड, कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया है। और जिसका नहीं तो मेरा भी कंप्लीट है। थैंक यू सर, कंप्लीट है। थैंक यू सर, वेलकम बेटा। ओए हो